हाय नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं राइट का यूट्यूब चैनल। फाइनली दोस्तों, बहुत ही अच्छा वैकेंसी निकल के आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो कि यहाँ पे एमटीएस के पद पर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि आपको तीन पद आपको इनकम टैक्स में आपको देखने को मिलेंगे जो कि यहाँ पे निकल के आ रही है। यहाँ पे अगर आप 10th पास है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, जो कि यहाँ पे कोई भी आपको शुल्क नहीं देना है, कोई भी आपको पे नहीं करना है ऑनलाइन चार्ज। यहाँ पे फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10th पास भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा अंत तक ताकि आपको समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया जाए आपके आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जॉब से रिलेटेड मैं जानकारी हमेशा बताते रहता हूँ, तो अगर आप स्टूडेंट है तो आप जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इनकम टैक्स स्पोर्ट कोटा रिक्वायरमेंट 2023 के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि यहाँ पे पोस्ट नेम आपका, जो कि मैंने बताया आपको, एमटीएस के पद पर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर के पदों पर वैकेंसी निकल के आ रही है। यहाँ पे अप्लाई डेट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 12 जनवरी से 6 फरवरी तक आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ पे अप्लाई मोड यानी ऑनलाइन आपका अप्लाई होगा। और एज की बात करें यहाँ पे एमटीएस की, तो 18 से 30 साल आपका एज मांगे जाएंगे। मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 30 साल एमटीएस पदों के लिए। यहीं पर टैक्स असिस्टेंट और टैक्स इंस्पेक्टर के पदों की बात करें तो यहाँ पे 18 साल मिनिमम और 27 साल मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एमटीएस पद के लिए अगर आप 10th पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे आपका डिग्री पास मांगा गया है, जो ग्रेजुएशन आपको पास होना चाहिए। सेम उसी तरह आपका टैक्स इंस्पेक्टर में आपका यहाँ पे डिग्री सर्टिफिकेट मांगा गया है, जो कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने बताया आपको स्पोर्ट कोटा, जो कि स्पोर्ट कोटा कौन होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स का यहाँ पे डिग्री लिए हुए हैं, जिनके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, साथ ही साथ आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट इस तीनों में होना चाहिए। अगर इसमें एमटीएस और टैक्स इंस्पेक्टर पदों पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको साथ में स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपको होना जरूरी है। यहाँ पे आप स्पोर्ट्स के कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 1/4/2022 तक आपका एज काउंट किए जाएंगे, जो कि 1/4/2022 तक आपका मिनिमम 18 साल पूरा होना चाहिए। यहाँ पे अप्लाई फी की बात करें तो जो कि मैंने बताया आपको 0 रुपये यहाँ पे आवेदन फी लग गए, जो कि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं देना है। यहाँ पे आप समझ लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड, जो कि यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है, ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी तरह का आपका एग्जाम नहीं होगा, सीधी आपको सिलेक्शन दी जाएगी और आपको नौकरी दी जाएगी। जो कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस तभी भी मैंने यहाँ पे लिख डाला है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है स्क्रूटनी ऑफ अप्लीकेशन, जो कि आपका स्क्रूटनी ऑफ अप्लीकेशन का मतलब हुआ कि आप जो भी फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन मोड में उसका सही सही आप फॉर्म भरे हैं कि नहीं उसका चेक किया जाएगा, वही स्क्रूटनी ऑफ अप्लीकेशन कहलाता है। यहाँ पर दूसरा है फ्रेंड्स स्पोर्ट ट्रायल, जो कि आपने जो भी स्पोर्ट का डिग्री ली हुई है, जिस भी पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उस पद के लिए आपसे ट्रेनिंग ली जाएगी उस स्पोर्ट कोटा में। उसके बाद में तीसरा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपको शॉर्ट फॉर्म में कहे तो DV कह सकते हैं। उसके बाद में चौथा में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपको जॉब दिया जाएगा। यहाँ पे समझ लेते हैं कि तीन को पोस्ट निकल के आ रही है, जिसमें आपको कितना कितना पोस्ट है। यहाँ पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के पद के बात करें तो यहाँ पे 28 पद है। उसके बाद में टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 28 पद है इसमें भी, जो कि एमटीएस 10th लेवल पर आपको भरे जाएंगे, जिसमें आपको 16 पद देखने को मिलेंगे। टोटल यहाँ पे आपको 72 पोस्ट देखने को मिल जाएंगे, कितना है 72 पद। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है, जो कि आप इंडिया किसी भी राज्य से जाते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश किया। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पे कि 72 यानी कि बहुत ही कम वैकेंसी है। यहाँ पे कम देख के आप बोलिएगा कि हम अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे 72 है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसा बात नहीं है, अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, स्पोर्ट कोटा है और 10th पास है, यहाँ पे सब के मैंने बता दिया, तो आप अप्लाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और दे के देखिए एग्ज़ाम। तो फ्रेंड्स, ये थी अपडेट जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को भी पता चले। तो फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।